नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टैली। आज एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपका टैली की आपको बताऊंगा दोस्तों। तो टैली में आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों, टैली को इंस्टॉल करना, टैली का परिचय और अकाउंट क्रिएशन के बारे में दोस्तों। तो चलिए इसको सीख लेते हैं दोस्तों। अब ये जानना है दोस्तों कि टैली इतना सीखना जरूरी क्यों है दोस्तों। तो टैली हर विभाग में होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप छोटा मोटा आपका कारोबार है या आप एक बिजनेस करते हैं, उसमें भी चाहिए, बैंक में चाहिए, ब्लॉक में चाहिए, सचिवालय में चाहिए, मतलब PM के ऑफिस में चाहिए, मुख्यमंत्री के ऑफिस में चाहिए, हर विभाग में टैली की जरूरत पड़ती है दोस्तों। कहीं भी आपको ऑफिस है वहां पे टैली की जरूरत पड़ती है। अगर टैली आप सीख लेते हैं तो कहीं भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कंप्यूटर में मेन सब्जेक्ट टैली ही माना जाता है दोस्तों। तो टैली हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको फटाफट टैली को सीख लेते हैं दोस्तों। तो टैली को सीखने से पहले उसका हम पर्चे बताएंगे और पर्चे से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अपने PC या लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करके गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम है, इस पर डबल क्लिक राइट क्लिक करके ओपन हो जाइए। इसको बोलते हैं एड्रेस बार। यहाँ पे आपको टाइप पर करना है www.google और इसको बोलते हैं सर्च इंजन। इसमें टाइप करना है टैली, टैली ERP 9 टाइप कीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ टैली डाउनलोड टैली ERP 9 इस पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करते हैं, डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोड फॉर लेटर पर क्लिक करते हैं तो आपको एक कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगा, फिर वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा। इंस्टॉल प्रीवियस वर्जन, यहाँ से आप वर्जन देख सकते हैं, सबसे लेटेस्ट वर्जन ऊपर वाला ही है, इसी को हम लोग डाउनलोड करेंगे। इतना सारे वर्जन आया है, मतलब रिलीज हुआ था, तब डेट दिया है, ये सब डेट दिया हुआ, टैली ERP 9 रिलीज 6.49 29 नवंबर, 3 अक्टूबर, 2 अगस्त, 5 जुलाई, सब क्या वर्जन होता है दोस्तों, ये सब क्या होता है वर्जन है। सबसे पहले देखे आया था 29 नवंबर का 6.49, उसके बाद 3 अक्टूबर का आल था 6.48, उसके बाद आल था 2 अगस्त का आल था 6.47, इसका वर्जन आता है। ठीक है, हम डायलॉग हम इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, आगे ये डाउनलोड होगा उसके बाद इंस्टॉल होगा दोस्तों। इस पर क्लिक करना है रन। ये देखिए टैली ERP 9 सीरीज ए रिलीज 6.5 64 बिट का लेटेस्ट वर्जन है, इंस्टॉल।
डन। देखिए टैली इंस्टॉल हो रहा है और टैली इंस्टॉल हो चुका। ये देखिए एक्टिवेशन योर लाइसेंस, ठीक है ना, रीएक्टिवेशन योर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, और गेट रिन्यूअल लाइसेंस, आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, उससे आप इसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, लाइसेंस को परचेज करना पड़ेगा। तो हम लोग सीखेंगे वर्क इन एजुकेशन मोड पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए टैली यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके मतलब टैली का क्या काम है, क्या इसका मतलब, इसको बताते हैं दोस्तों। तो क्या क्या टैली है, क्या चीज, टैली इज ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना दोस्तों। टैली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लाइव परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप सेल रिसीव कर सकते हैं, पर्ची रिटर्न भर सकते हैं, सेल्स रिटर्न कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। ये टैली का कुछ बेसिक हुआ जो आपको मैं बताया, और आगे मैं आपको बताऊंगा टैली में अकाउंट बनाने के, अकाउंट क्रिएशन के बारे में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।